कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। तो व्यूवर, आज की जो मेरी रेमेडी है ख़ास रेमेडी है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूवर, इसके लिए आपने 1 टेबल स्पून हनी ऐड करनी है, हनी, और एक ब्रश लेना होगा, सॉफ्ट सा ब्रश ले लीजिए। फिर उस पर हनी लगा के, जैसे कि टूथपेस्ट लगाते हैं उस तरह लगा के, अपने होंठों पर सर्कुलर मोशन में 5 से 7 मिनट के लिए रब करते हुए ब्रश करना है। फिर जब टाइम हो जाए तो ठंडे पानी से अपना होंठ वाश कर लेना है। आपके होंठों के ना सिर्फ ये कालापन, डार्क स्पॉट, धब्बे वगैरह रिमूव होंगे, बल्कि आपके होंठ नेचुरली पिंक हो जाएंगे और आपके होंठ सॉफ्ट एंड स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप सेकेंड स्टेप की ज़रूरत होगी, उसके लिए मॉइस्चराइज़र बनाएंगे। नेचुरल मॉइस्चराइज़र चाहिए होगा। तो चलते हैं आप सेकंड स्टेप में आपको मॉइस्चराइज़र बनाना होगा, नेचुरल मॉइस्चराइज़र। इसके लिए 1 टेबल स्पून आपने दूध वाली बलाई लेनी है, जो कि आसानी से आपको घर से मिल जाएगी। और चुटकी आपने हल्दी की ऐड करनी है। एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर उंगली की मदद से अपने होंठों पर रब करते हुए 10 मिनट तक लगा रहने देना है। फिर ठंडे पानी से वाश कर लेना है। ये स्टेप आपने डेली बेसिस पर करना है। जिनके होंठ बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो उनको ये डेली बेसिस पर करना होगा। अगर जिनके होंठ कम ब्लैक हैं तो वो इसको हफ्ते में 3 बार लाजमी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।